हेलो दोस्तों, मैं राज सिविल इंजीनियरिंग डॉट कॉम में आपका स्वागत है। यदि ये वीडियो आपको पसंद लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का टॉपिक कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार्ट करते हैं कूलॉम का नियम तथा विद्युच्छेद, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज क्लास 12th का पहला लेक्चर है। यदि आप एक बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रत्येक वीडियो को देखते जाइए, जिससे आपको आपका एक तो नोट्स तैयार हो जाएगा और पढ़ाई भी पूरी फिजिक्स की हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमें कूलॉम का नियम समझने के लिए सर्वप्रथम आवेश क्या होते हैं, आवेश की प्रॉपर्टी क्या होती है, यह समझना होगा। गारंटी यह है कि अगर आवेश आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे तो कूलॉम का नियम तुरंत का तुरंत याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आवेश होता क्या है। आवेश के बारे में आपको तो पता बहुत होगा, लेकिन एक्चुअल में आवेश क्या होता है ये आप अभी नहीं बता पाएंगे। देखिए आवेश क्या होता है। आवेश जो होता है वैद्युत का एक गुण है। आवेश वैद्युत का एक गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाते हैं। मतलब आवेश वैद्युत का एक गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जाते हैं या अनुभव किए जाते हैं। तो इस बेसिस पर देखा जाए तो आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर क्या होता है, धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा जो होता है वो ऋण आवेश होता है, निगेटिव चार्ज। अब देखिए धन आवेश और ऋण आवेश, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कैसे बनते हैं। तो फर्स्ट नंबर हम इसे देखेंगे कि ये पॉजिटिव कब होता है और निगेटिव कब होता है, किस कंडीशन में। तो देखिए कि किसी मटेरियल को जब हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन कराते हैं, घर्षण कराते हैं, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, या उसे जब हीट प्रोड्यूस करते हैं या अन्य केमिकली मेथड के द्वारा जब रिएक्शंस कराए जाते हैं तो वहां पर वो क्या होते हैं, पॉजिटिव, कभी पॉजिटिव होते हैं कभी निगेटिव होते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर हम लोग घर्षण की बात करते हैं, तो मान लेते हैं कि सपोज करते हैं कि एक सोडियम का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो प्रॉपर्टी सदैव इलेक्ट्रॉन के नंबर पर ही डिपेंड करती है। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर जब बनाते हैं। तो ये रहा न्यूक्लियस, इसके फर्स्ट कक्षे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कुल मिलाकर 10 हो गए, 11 होने चाहिए। तो तीसरे कोर्स में हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। तो इसको कहीं से अगर हम लोग फ्रिक्शन कराते हैं या थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो ये अपना अष्टक विन्यास पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दान दे देता है, जिससे ये कोर्स जो होता है अच्छा सी खत्म हो जाती है और इस पर सोडियम धन आयन आ जाता है। इस प्रकार से कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव बनते हैं। आइए निगेटिव का देखते हैं। इसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन निगेटिव का, इसका क्लोरीन का लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, दूसरे में कितने होंगे, 7 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जब कहीं से एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है।
तो इस प्रकार से ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, क्लोरीन निगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब कहीं पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, कहीं से इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, और कहीं से इलेक्ट्रॉन जब दान कर रहा होता है तो वहां पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर इसी यहीं से स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉपर्टी। जब इलेक्ट्रॉन कहीं जा रहा है तो ये क्या हो जाता है, धन आवेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डोनेट हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी आवेश की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आगे देखिए, आवेश के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इसमें देखिए प्रॉपर्टी के बहुत सारे, चार्ज के बहुत सारे गुण होते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर क्या होता है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हो गया, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए देखते हैं कि सजातीय आवेश क्या होते हैं। जब आवेश में धन, जब दो आवेश क्या हो, धन धन हो, मतलब पॉजिटिव या आवेश निगेटिव हो, तो वे क्या कहलाते हैं, सजातीय आवेश कहलाते हैं। और सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट ये फिक्स है, यहाँ पर किसी धागे से दो सजातीय आवेश यहाँ पर रखे गए हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षित दूर भागेंगे। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। दूसरा नंबर विजातीय आवेश के लिए देखते हैं, विजातीय आवेश में देखेंगे, अगर ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पर दोनों मिल जाएंगे, यहाँ पर तो ये निगेटिव एक पॉजिटिव। तो इस प्रकार से सजातीय आवेश विजातीय आवेश दोनों का ये अंतर होता है। आइए अगली प्रॉपर्टीज की देखते हैं। नेक्स्ट नंबर, दूसरा आवेश क्वांटीकृत होते हैं। इसका क्या मतलब है, आवेश क्वांटीकृत होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आवेश जब भी कहीं से दान दिया जाता है या ग्रहण किया जाता है तो उसमें सिर्फ आवेश कभी एक दो तीन या चार होंगे, ना कि कभी आधा इलेक्ट्रॉन, तीन चौथाई या 1/4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे दान नहीं दिए जाते हैं। जब भी दान दिया जाता है वो क्या होता है कि पूर्ण संख्या के रूप में होता है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, ई होगा या 2e होगा या 3e होगा, इस प्रकार से होगा। ये हुआ तीसरा नंबर, इसका देखिए धनात्मक आवेश के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है।
धनात्मक आवेश के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तथा ऋणात्मक आवेश के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो नेक्स्ट नंबर, अभी जैसे कि हमने डायग्राम में बताया था कि धनात्मक आवेश के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तथा ऋणात्मक आवेश के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो ये मैं बता चुका हूं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, विरामावस्था में इलेक्ट्रॉन सिर्फ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गत की अवस्था में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब क्या कर रहे होंगे, मूवमेंट कर रहे होंगे, तो क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं कर रहे होते तो सिर्फ क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन, ये कितनी प्रॉपर्टी हो गई, चार प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टी और इसकी देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें, सॉरी, आवेश जो होता है, आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये आवेश की प्रॉपर्टी थी। अब इसी आधार पर हम लोग देखिए पढ़ेंगे कूलाम का नियम, जो कि बहुत ही सिंपल है, अब बहुत ही सिंपल लगेगा आपको। देखिए कूलाम का नियम हमारा क्या कहता है। कूलाम ने विभिन्न ऑब्जर्वेशन किया और यह नियम निकाला कि देखिए, इन्होंने बताया कि जैसे सपोज करिए कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और कुछ दूरी पर एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, दोनों के बीच स्मॉल आर डिस्टेंस है, दोनों के बीच क्या है, स्मॉल आर डिस्टेंस है। तो अब ये देखिए पॉजिटिव चार्ज इधर भी है, पॉजिटिव चार्ज इधर भी है, तो अभी हमने बताया था कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों सजातीय आवेश हैं, ये और ये, तो दोनों क्या है, सजातीय आवेश हैं। इस कंडीशन पर कह सकते हैं कि इनके बीच लगने वाला जो बल होगा क्या करेगा, प्रतिकर्षण का बल होगा, किसका होगा, प्रतिकर्षण का। अब ये जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये निगेटिव हो सकता है, ये निगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, या दोनों निगेटिव हो सकते हैं। तो इस आधार पर यहाँ पर लगने वाला बल जो होगा प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है और आकर्षण बल भी हो सकता है। तो इस कंडीशन पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दो प्रकार के बल लगते हैं, प्रतिकर्षण बल भी लगता है और आकर्षण बल भी लगता है। तो हम एक कंडीशन लेकर कूलाम के नियम को प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हमने दोनों चार्ज पॉजिटिव लिए हैं, आप निगेटिव भी लेकर प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, जब अब देखिए ये दोनों क्या है, चार्ज है, तो इनके बीच लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होता है वो क्या होता है, प्रतिकर्षण बल एफ प्रोपोर्शनल इन दोनों जितना चार्ज होगा, ये Q1 है और ये Q2 है, इन दोनों चार्जों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए
ये गुणनफल के अनुकलनपाती हो गया, ठीक है। और ये जो है जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे इनका प्रतिकर्षण बल क्या होता जाता है, कमजोर होता जाता है, और जैसे जैसे नजदीक लाते हैं इनका प्रतिकर्षण बल क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि दूरी बढ़ाने पर प्रतिकर्षण बल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और दूरी कम करने पर प्रतिकर्षण बल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये जो होता है यह प्रोपोर्शनल 1/r² मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस आधार पर जो कूलाम का नियम है वो क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कंडीशन हो गई कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए अब यही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा Q1 Q2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² इक्वेशन नंबर सेकंड। तो समीकरण एक व समीकरण दो से दोनों समीकरण लगाएंगे यहां पर तो क्या प्राप्त होता है, देखिए हम दोनों जब सम्मिलित करते हैं तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 / क्या हो जाता है, r² हो जाता है। तो F = अब यहां पर एक कांस्टेंट टर्म रखते हैं 4πε₀ Q1 Q2 / r² यह फॉर्मूला हो जाता है। अब देखिए एप्सिलॉन का मान जो होता है बराबर होता है 9.0 × 10⁹ Nm² पर Coulomb² ये होता है। और यहां से एप्सिलॉन का मान भी निकाला जा सकता है, एप्सिलॉन का मान यहां से निकालेंगे तो देखिए 1/4πε₀ = 9.0 × 10⁹ Nm² पर Coulomb² होता है। तो εn = हो जाएगा 1/4π × 9.0 × 10⁹ Coulomb² पर Nm². तो यहां पर εn₀ का मान जब निकालेंगे 8.85 × 10⁻¹² Coulomb² पर Nm², ये εn₀ का मान आता है। तो इस आधार पर हम लोग 1/4πε₀ की वैल्यू जहां पर रखी जाएगी वहां पर 9.0 × 10⁹ Nm² पर Coulomb² रखा जाएगा, और εn₀ का मान जब कहीं पर पूछता है तो ये वैल्यू रखी जाएगी। तो इस पर बुक में कई न्यूमेरिकल दिए भी गए हैं, आप लगा भी सकते हैं, और ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं तो इस न्यूमेरिकल को देखेंगे हम लोग। देखिए अब जो है अगर माध्यम के बीच कोई परावर्तितांक माध्यम जैसे कागज मोम लकड़ी इत्यादि आ जाए जिससे परावर्तितांक के हो, तो यहां पर यदि
माध्यम का परावैद्युतांक के हो तो एफ एम मीडियम 1/4π ε0 के Q1 Q2 r स्क्वायर। देखिए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए लगा क्योंकि के जो है परावैद्युतांक है, इससे इसके दोनों आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल दोनों इफेक्टिव होंगे अर्थात कम हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगा हुआ है, नहीं तो ये क्या होता ऊपर मल्टीप्लाइड में होता, इसलिए यहाँ पर इससे इफेक्टिव होते हैं इसलिए ये प्रोपोर्शनल में लग गया है। तो इसे क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग थर्ड मानते हैं और इसे फोर्थ मानते हैं तो क्या करते हैं समीकरण थर्ड डिवाइड फोर्थ से, तो एफ अपान एफ एम इक्वल टू हो जाएगा। जब इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 1/4π ε0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर अपान 1/4π ε0 के Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। तो यहां से ये पूरा का पूरा ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा क्या 1/k, तो फाइनली f अपान एफ एम इक्वल टू हो जाएगा k। तो कहने का मतलब यह है कि पहले लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल और मीडियम में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुपात जो होता है उसके परावैद्युतांक के इक्वल होता है। ठीक, अब देखिए यदि परावैद्युत का परावैद्युतांक जो है इप्साइलन हो तो यहां से इप्साइलन जीरो को निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं, और इप्साइलन को परावैद्युत की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक, तो यहां से हो जाएगा इप्साइलन इक्वल टू इप्साइलन जीरो के, तो ये इप्साइलन इप्साइलन इक्वल टू के, ये भी एक फॉर्मूला है, इस पर भी कई क्वेश्चन दिए गए हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इप्साइलन जीरो को ध्यान देना होगा, ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है और इप्साइलन जो होती है परावैद्युत की वैद्युतशीलता होती है, दोनों में ये रिलेशन होता है और ये भी उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाला जा सकता है जैसे अभी इसके पहले निकाला गया था, लेकिन आपको ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो इस प्रकार से कूलम्ब का पूरा नियम ये समाप्त होता है। अगले टॉपिक में हम आपको इसी के आगे बताएंगे कि गोली कोष के लिए क्या होता है, उसकी वैद्युतीय तीव्रता कैसे निकाली जाती है, इन सब के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।